हे गाइस, तो स्वागत है आपका आज के न्यू वीडियो में, जो कि आज मैं फिर से मैच खेलने आ गया हूँ यहाँ पे अपने ग्राउंड पे, करना ग्राउंड पे। तो हम लोग की अभी बैटिंग आई हुई है और हम लोग का यहाँ पे मैच शुरू हो चुका है और मेरे को पकड़ा दिया गया है यहाँ पे आज स्कोरिंग। तो हमारे साथ है अभी सनी भैया यहाँ पे, ये अभी थोड़ा कमेंट्री का अपना नज़ारा आप सबको दिखाएंगे। तो अभी देखिए कमेंट्री। नमस्कार दोस्तों, मैं सनी भगत स्वागत करता हूँ आप सभी का। और बात करें यहाँ पे स्कोर की, तो स्कोर तो 1.2 ओवर की समाप्ति पर 15 रन होता हुआ और स्ट्राइक पे है रणजीत डोगरा। शॉर्ट पिच डिलीवरी, कोई प्रयास नहीं खेलने का, सीधा कीपर के दस्तानों को गेंद लगती हुई सीधा थर्ड मैन की दिशा जाती हुई और वहाँ फील्डर मौजूद वहाँ पर, और इसी के साथ एक बार फिर 2-3 बॉल लेकर तैयार रोहित स्ट्राइक पे भी पुल करना, देखते क्या होता है। एक बार और फिर से छोटी गेंद खेलने के प्रयास, कोई संपर्क हुआ नहीं गेंद सीधा कीपर के दस्तानों में, पुल करना की। तो ये 5 बॉल पे 8 रन बना के खेल रहे हैं और रणजीत डोगरा 4 बॉल पर 1 रन, एक कह सकते काफ़ी धीमा शुरुआत यहाँ पर। पटकी हुई गेंद कट कर दिया पॉइंट की फील्डर को बीट करता हुआ गेंद सीधा सीमा रेखा से बाहर 4 रन, और ये बहुत ही अच्छा शॉट भी पुल करना के द्वारा। 21 रन हो चुके हैं करनाथ क्रिकेट अकेडमी पर। स्ट्राइक पे भी पुल करना, एक बार फिर से स्टांस पे तैयार होते हुए और बॉलर खड़ा गया अपनी मारा फिर। मौसम का तो काफ़ी हवेदार मौसम है आज, हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं। पटकी भी गेंद एक बार फिर से, इस बार लेट कट करने का प्रयास, पॉइंट पे फील्डर मौजूद आसानी से फील्ड कर लेगा, इसी के स्ट्राइक में रोटेशन और रणजीत डोगरा आ गए स्ट्राइक पे। 5.2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 56 रन बिना किसी नुकसान के। स्ट्राइक पर है रणजीत डोगरा और बॉलिंग पर रोहित, अपनी तीसरी बॉल लेकर आएंगे। हार्ड लेंथ डिलीवरी कट कर दिया है, लगातार पॉइंट की दिशा में शॉट खेलते हुए नजर आ रहे हैं रणजीत डोगरा आज। ये उनका यहाँ पर तीसरा चौका है, इससे पिछले ओवर के पिछले ओवर में भी उन्होंने 2 शॉट वहाँ पे लगाए थे, जो कि काफ़ी अच्छा कट शॉट लगाया था, उसी को सेम इस पर कॉपी कर दिया है फिर से, काफ़ी अच्छा शॉट 4 रन। इस पर सॉलिड डिफेंस, फ्रंट फुट पर आ गया और बढ़िया तरीके से डिफेंस किया। लेग यस, एक और होगा। थक गया भैया, तो गाइस अभी हम लोग का एक इनिंग खत्म हो चुका है और हमारा स्कोर 269 है और टारगेट 270 का। तो गाइस अभी हम लोग का सेकेंड इनिंग शुरू हो गया है और स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट कौन करेगा? अंकित भैया अभी स्टार्ट करेंगे बॉलिंग इन से। तो क्या लगता है अंकित भैया, आज का विकेट कैसा था? विकेट ठीक है, आज का चैलेंजिंग विकेट है, मजा आएगा बॉल डालने में। बॉलर का विकेट है कि बैट्समैन का है? तो बैट्समैन का, पर वो तो अपने हाथ में है ना, बॉलर के क्या करता है कैसे विकेट पे, अभी देखते हैं बाकी क्या होता है पूरे मैच में, क्योंकि आज तो मैं कीपिंग नहीं कर रहा हूँ, नितेश भाई कर रहे, क्योंकि मेरे को बैक पेन है इसीलिए मैं आज कीपिंग नहीं कर रहा हूँ और नितेश भाई आज कीपिंग करेंगे पूरे 40 ओवर, तो इसीलिए मैं अभी आज फील्डिंग कर रहा हूँ सिर्फ। तो देखते हैं अभी मैच में क्या होता है। सन्नी भैया कुछ कमेंट्री कीजिएगा। कीपर 270 रनों का ये टावर तोड़ लक्ष्य,
अपोनेंट टीम के सामने रखा गया। इस टीम में काफी धमाकेदार बॉलर भी अंकित हो गया, आर्या हो गया, नितेश हो गया और खुद सनी सनी भाई सनी भागा रुपया खेलोगे बुला रहे हैं केवल वो मुझे साला पीछे पटक रहा है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग जीत चुके हैं और इसका श्रेय जाता है नितेश कुमार नितेश को जो कि काफी अच्छा कीपिंग किए आज। मैं तो आपका कीपिंग का क्या ये था एक्सपीरियंस आज का? कुछ नहीं बस अच्छा करना था, यही था कि अभी बॉल पीछे नहीं जाने देना है। है कितना रन बचा है? तो गाइस आज हम लोग जीत चुके हैं और मिलते हैं हम लोग आपको नेक्स्ट मैच में। तब तक के लिए बाय।